हे गाइस, कैसे हैं? आई होप अच्छे होंगे। आज संडे है और आज अमन मैडम ने हरियाली तीज की पार्टी रखी थी। 3 बजे से सभी लोगों को बुलाया था और मैं जाने के लिए बिल्कुल तैयार थी। जैसे ही निकल रही थी, बारिश स्टार्ट हो गई है तो अब निकलना पॉसिबल नहीं हो रहा है। 4:30 बज चुके हैं, बहुत तेज बारिश हो रही है और बाहर रास्तों में भी अब पानी भर जाएगा, तो अब जाना मेरा पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो सॉरी अमन मैडम, आपने इतने मन से हरियाली तीज की पार्टी रखी और मैं नहीं आ पा रही हूँ। मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, मैंने उनसे बोला भी था कि मैं नहीं आ पाऊंगी, लेकिन उन्होंने बार बार मुझसे बोला कि थोड़ी देर के लिए आ जाओ, थोड़ी देर के लिए आ जाओ। तो देखिए, मैं तैयार भी हो गई हूँ। हरियाली तीज का ड्रेस कोड था ग्रीन ड्रेस विद मेकअप, अच्छे से जाना था, तो मैं तैयार भी हो गई। लेकिन अब बारिश इतनी तेज हो रही है कि जाना बिल्कुल पॉसिबल ही नहीं है। मैं आपको दिखाती हूँ कि कितनी तेज बारिश हो रही है। देखिए कितनी तेज बारिश हो रही है, बहुत तेज बारिश हो रही है। मैं जैसे ही निकलने लगी थी वैसे ही बारिश स्टार्ट हो गई थी। अब 4:30 बज गए हैं, सारे रास्तों पर पानी भर जाएगा और जाना मेरा पॉसिबल नहीं हो पाएगा क्योंकि स्कूटी भी स्लिप हो जाएगी। बहुत मन से मैं तैयार हुई हरियाली तीज की पार्टी में जाने के लिए, बट अब नहीं जा रही हूँ। तो अभी शाम के 6 बज गए हैं, बारिश अभी कम हो गई है। फिर से अमन मैम का फोन आ गया है कि प्रोग्राम लेट तक चलेगा, आप आ जाओ, प्रोग्राम लेट तक चलेगा। तो मैं फटाफट से फिर से तैयार हो गई हूँ और जा रही हूँ हरियाली तीज की पार्टी में। देखेंगे वहाँ पर क्या क्या प्रोग्राम है और मिलेंगे नए नए फ्रेंड से, तो आगे की अपडेट मैं वहाँ जाकर दूंगी। तो मिलते हैं अमन मैम के घर पर। उपस्थित सभी बहनों को मेरा बहुत बहुत प्यार आभार कि इतनी बारिश होने के बाद भी सब मेरे पास आए हैं हरियाली तीज पर्व को मनाने के लिए। इससे पता चलता है कि हमारे बीच कितनी अच्छी बॉन्डिंग है। दोस्तों कहते हैं कि खूबसूरत से एक पल का किस्सा बन जाता है, जाने का कौन जिंदगी का हिस्सा बन जाता है। कुछ खास लोग मिलते हैं जिंदगी में जिनसे कभी ना बिछड़ने वाला रिश्ता बन जाता है। आभार, अभिनंदन, नमस्कार। आज हम सब यहाँ पर मिलकर इस खूबसूरत से उत्सव को, या कहें महाउत्सव को सेलिब्रेट कर रहे हैं। दोस्तों मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगी, आभार व्यक्त करना चाहूंगी कि आज आप इस पावन पर्व पर यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। सावन के महीने में तीज का त्योहार बड़े ही हर्षोल्लास से मनाया जाता है। सावन के आते ही मन में उमंग व तरंग हिलोरें मारने लगती हैं और मन को मोर जैसे नाच उठता है। सबसे पहले माता पार्वती ने यह व्रत रखा था, ये जो हरियाली तीज का व्रत है सबसे पहले माता पार्वती ने रखा था, जिसके फलस्वरूप उन्हें भोलेनाथ पति के रूप में प्राप्त हुए। यह महिलाओं का त्योहार है, अटल सौभाग्य के लिए ये सद भाग्यवती जो माता बहने होती हैं तीज त्योहार को हर्षोल्लास से मनाती हैं। आज के दिन सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रखती हैं। इस दिन शिव पार्वती जी की पूजा होती है, मंदिर में माथा टेकते हैं और यह कामना करते हैं कि सबके सुहाग बने रहे, सबको भगवान शक्ति दे, अपने अपने पतियों के साथ स्वस्थ व अच्छे मन से रहे, यही हमारी शुभकामना है। चांद भी आ जाए तो महफिल में वो बात नहीं होगी, चांद भी आ जाए तो महफिल में वो बात नहीं होगी, सिर्फ
आपके आने से ही, सिर्फ आपके आने से ही हमारी महफिल की रौनक बढ़ेगी। वाह, बहुत अच्छा लग रहा है सभी को देख के यहाँ पे। तो अब प्रोग्राम को कंटिन्यू करते हैं। हमने कुछ गेम्स खेले और थोड़ी डांस परफॉर्मेंस करी, अभी डांसेस बचे हमारे, बट अब हम करेंगे रैंप वॉक। ओके, सो सभी तैयार हो जाए यहाँ पे फैशनिस्टा बनने के लिए। Oh,
थैंक यू बोलूंगी कि आज उन्होंने हरियाली की इसकी पार्टी रखी और हम सब महिलाओं को बुलाया और आज हमने बहुत सारा एंजॉय किया, करा के नहीं करा। मतलब ये छोटी मोटी गैप टूगेदर जो होती है वो अपने आप को क्या करते हैं, चीयर अप करने के लिए होते हैं, वरना कोई रोटी पानी में हम लोग लगे रहते हैं। सच्ची में मेरा तो यही मानना है फंक्शन बर्थडे जब जो हम लोग इकट्ठे होते हैं तो उसमें सारी स्ट्रेस को क्या कर देते हैं, भूल जाते हैं, और अपने लिए थोड़ा सा क्या निकालते हैं, बस निकालते हैं। तो थैंक यू बोलिए सब लोग अमन मैम को, अच्छी पार्टी ऑर्गेनाइज की, थोड़ी सी बारिश ने प्रोग्राम को खराब कर दिया, प्रोग्राम बहुत अच्छा हो सकता था, अच्छा है और अच्छा होता, बारिश ने थोड़ा टाइम एक्सटेंड करवा दिया। तो थैंक यू अमन मैम, आपने मुझे बुलाया, नई नई फ्रेंड्स से मिलवाया, मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, आप लोगों को मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगा, नए फ्रेंड्स मिले आज मुझे, हम लोगों को बहुत अच्छा लगा। प्रोग्राम इसी तरह से चलते रहे और हम सब इसी तरह से मिलकर हर्षोल्लास के साथ त्योहार को मनाते रहे। आप सबका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। यही लाइफ में